दादा एक काम है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दादा ये सावन नहीं जाना चाहिए ना है, सावन यू नहीं जाना चाहिए ना, संगमी को नहीं जाना चाहिए जब माना आप 84 जन्म उतरती कला में जाने की दिल नहीं है बाबा, उतरती कला में जाने की दिल नहीं है, लेकिन नियम तो ऐसा ही बना हुआ है कि दुनिया की हर चीज हर व्यक्ति 4 अवस्थाओं से पकार होता है, भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी बाद में सतो सामान्य रजो और तमो बन गई, ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है फिर बाद में क्या बनता है तमो प्रधान बनता है, अब एडवांस में जो आने वाले पुराने पुराने हैं, चलो काठमांडू के ही सही वो बताएं कि पहले अवस्था ज्यादा अच्छी थी शुरुआत में या अब ज्यादा अच्छी है, पहले ज्यादा अच्छी क्यों, क्यों पहले सतो प्रधान क्या होता है फिर बाद में ज्ञान में तमो प्रधान, जितना चीज विस्तार को फैलती जाएगी उतनी उसकी ताकत कम होती जाती है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पहले भारतवर्ष में ही पृथ्वी थी, बाद में दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं आई, पृथ्वी का विस्तार होता चला गया, अरब देश में इस्लामी आए है, चीन और जापान में बौद्धी आए, बौद्धी खंड हो गया, इंग्लैंड में, ब्रिटानिया में, यूरोप में क्रिश्चियन आए, वो अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में फैल गए, तो दुनिया का विस्तार होता गया, तो जितना ज्यादा विस्तार होता है उतनी सच्चाई की ताकत कम होती गई या बढ़ती गई, प्योरिटी की ताकत कम होती गई या बढ़ती गई, कम होती गई, ये नियम है कि जितना विस्तार को पाते जाएंगे उतना ताकत कम होती जाती है, सेवा देते समय एक भाई का प्रश्न था कि राम क्या केवल 14 वर्ष के लिए ही वनवास गए थे, हाँ। तो इसका उत्तर क्या दिया जाए, अब हम तो जान गए हैं जी हाँ कि शिव बाबा जब इस धरती पर आते हैं और संसार में प्रत्यक्ष होते हैं भगवान के रूप में गॉड फादर के रूप में, तो रामकृष्ण वाली आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं किसी दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, रामकृष्ण के द्वारा ही होते हैं, हम तो जानते हैं कि तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, कृष्ण है, तू ही शंकर है, तू ही शिव है, माने पर्सनालिटी एक ही हुआ है या दो है या चार है, पर्सनालिटी तो एक ही, तो राम वाली आत्मा जो राम बाप कही जाती है वो ज्ञान को पहले समझती है या कृष्ण वाली आत्मा ज्ञान को पहले समझती है, राम वाली आत्मा पहले समझती है, तो जो पहले समझेगी ज्ञान को वो ज्ञान के विस्तार में पहले जाएगी या बाद वाली जाएगी, वही जाएगी पहले विस्तार में, और जो जितना विस्तार में जाएगा उतनी पावर कम होती जाएगी, विस्तार में तो पावर, विस्तार में पावर नहीं रहती, तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों के द्वारा शूटिंग होती है, दोनों ही आत्माएं एक पर्सनालिटी एक व्यक्तित्व में शूटिंग का कार्य करती हैं या अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी तो एक ही है, तो जब शूटिंग का कार्य शुरू होता है आत्मा मन बुद्धि के लिए 76 से, तो उतरती कला की शुरुआत कब होती है, कौन सी युग से होती है, उतरती कला की शुरुआत द्वापर युग से, तो द्वापर युग की शूटिंग कब खत्म होती है,
एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में द्वापर युग की शूटिंग कब पूरी हुई? 98 में राम वाली आत्मा पहले नीचे उतरेगी या कृष्ण वाली आत्मा पहले नीचे उतरेगी? अरे कांटों की जंगल की दुनिया शुरू हुई ना, दुखों की दुनिया, तो दुखों की दुनिया में पहले कौन उतरेगा? राम वाली आत्मा पहले उतरती है। इसलिए राम त्रेता वाली आत्मा के लिए 14 साल का वनवास ठोक दिया है शास्त्रों में। क्या? और कृष्ण वाली आत्मा के जो फॉलोअर्स हैं पांडव, उनके लिए 13 साल का वनवास ठोका गया। यानी 98 से ही दोनों आत्माओं के लिए कोई एक व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व के लिए ये गायन पड़ा है कि ये 13-14 साल का वनवास नुधा हुआ है। इसलिए अद्वैतवाणी में अद्वैत बाप दादा ने भी बोला उसी समय, क्या 99-2000 वर्ष की वाणी में बोला, दुनिया वालों के लिए बाप दादा गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने बाप दादा प्रत्यक्ष हो गए। अरे 2000 में ही ये ऐसी बात क्यों बोली? क्या इससे पहले 10-20 साल पहले ये बात नहीं थी क्या? है मानो गुप्त होने का मतलब कोई ढूंढना चाहे तो भी मिले नहीं, कोई यहाँ ऐसा बैठा है कि जब ढूंढना चाहे तभी ढूंढ ले, जब चाहे तभी फोन कर दे बाप दादा को, है नहीं ना? तो बोला कि दुनिया वालों की नजरों के सामने गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तो वो कौन कौन सी आत्माएं हैं? बाप और दादा जिनको कहा जाता है, राम वाली आत्मा बाप और कृष्ण वाली आत्मा दादा। जो भी 500 करोड़ बच्चे हैं उन बच्चों में दादा है, बड़ा बच्चा है, बड़ा पत्ता है। तो दोनों पहले कांटों के जंगल में कौन आता है? राम वाली आत्मा और बाद में कृष्ण वाली आत्मा। इसलिए भक्ति मार्ग में 13-14 साल का वनवास गाया हुआ है पांडवों के लिए। जो वनवास गाया है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो ये 3 पैर पृथ्वी के एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में देखा जाए तो रामकृष्ण की आत्माओं को इस समय नहीं मिल रहे हैं, या और जो पांडव हैं सबको नहीं मिल रहे हैं। सब तो अपने अपने घर में आराम से बैठे हैं, पांव पसार के रोज छोते हैं प्यार से। किसी को 3 पैर पृथ्वी की कमी है? नहीं, नहीं, नहीं है बाबा, नहीं है। कोई को हो तो बताए? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी शुरुआत होगी वो पहले 1 से शुरुआत होगी, फिर बाद में नंबर वार बच्चों के ऊपर बीतेगी। क्या? पहले किसके ऊपर बीतेगी? पहले तो बाप दादा के ऊपर बीतेगी। तो बाप दादा के लिए ये बात पहले लागू होती है कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। जो स्वच्छंद होकर एक कहीं एक जगह बैठ जाए और अपनी दुकान अपनी बिजनेस चलाए। कोई कहे क्यों नहीं बैठते? अरे कोई को प्रश्न पैदा हो सकता है ना, कोई मना करेगा बैठने के लिए? बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? है? बैठ सकते हैं। अच्छा पांडव 13 साल के वनवास में गए वो कहीं प्रत्यक्ष हो सकते थे? क्यों नहीं हो सकते थे? एक साल तो गुप्त ही रहना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन तो शासन उनके पीछे पड़े हुए थे, खोज के निकालने से है, खोज लेते हैं, खोज लिया ही था। तो ऐसे ही राम वाली आत्मा हो भगवान, चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो कृष्ण भगवान, चाहे शंकर वाली आत्मा हो शंकर भगवान, राम वाली आत्मा के लिए भी गायन है कांटों के जंगल में घूमना पड़ा। कृष्ण वाली आत्मा के लिए भी गायन है क्या? कंस के डर से
गुप्त रहना पड़ा। गाँव रे में चक्कर काटना पड़ा दिखाते ना, कहीं गोकुल में, कहीं बरसाने में, कहीं कहाँ कहीं कहाँ। और शंकर के लिए भी गायन है क्या? बसमासुर के डर से सारी दुनिया में भागते भागते फिरे, अब कहीं भी उनको ठिकाना नहीं, नहीं। तो पांच पांडवों की जो बात आई है जी। तो उनको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, वो शुरुआत यहाँ से होती है। कहाँ से? जिसे कहा गया युद्धिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। और जो भी आत्माएं हैं बच्चों के रूप में जी। वो सब हिल जाती है कुछ न कुछ ज्ञान में, बाप के ऊपर ड्रामे के ऊपर अनिश्चय आ जाता है परसेंटेज में, लेकिन एक ही युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्मा है जो आज से अंत तक स्थिर रही, अनिश्चय पैदा नहीं होता। इसलिए पहले पहले उसको ये परीक्षा देनी पड़े, चाहे वो 14 साल का वनवास हो और चाहे वो 13 साल का वनवास हो। कहाँ की यादगार है? 98 से लेकर के 2000 तक, और वहां से लेकर के 12-13 वर्ष और जोड़ दो, 12-13 वर्ष और हाँ 14 वर्ष जोड़ दो 98 से। अच्छा, 98 के बाद 99 100 दो साल वो और 12 साल इधर, कितने साल हुए? 14 साल और 2012 के लिए वो भक्ति मार्ग की कोई कैसेट निकल पड़ी जी, वो माया सभ्यता, मायन सभ्यता, वो भी चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? अब कैलेंडर ही नहीं है कोई, कैलेंडर ही नहीं है 13 का। तो 12-13 साल का वनवास है वो कोई झूठी बात नहीं है। कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की एडवांस पार्टी की बात है जो शास्त्र में दी हुई है। बाबा बेसिक वाले परमा कुमारी हमसे क्या बोलती थी कि भगवान उस शरीर में आता है तो हमको भी इस आधार क्या है, है? आधार क्या है भगवान शरीर में आता है तो आधार क्या है माने? आधार क्या है? प्रूफ क्या है? उसे कहो कि तुम पहले बताओ कि ब्रह्मा के तन में आता है तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं, लेकिन तुम तो भगवान मानते हो कि ब्रह्मा के तन में भगवान आया, तो भगवान जो बोलेगा तो झूठ बोलेगा या सच्चा बोलेगा? पत्थर की लकीर बोलेगा ना। आओ तो हम तुम्हें बताएं कि ब्रह्मा के मुख से बोली हुई कितनी वाणियों में ये बात साबित होती है कि भगवान किस तन में आएगा। एक एक वाणी का एक एक प्रूफ उनको सुनाना शुरू कर दो, आप चुप क्यों रह गए? आपको उन्हें बताना चाहिए जो वो मुरली में बोला है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। क्या वो बच्चे मम्मा बाबा से ज्यादा पावरफुल थे या कम पावरफुल थे? ज्यादा पावरफुल। वो ही भगवान भगवती का रूप है। फिर मुरली में बोला है वास्तव में इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। आओ तो हम तुम्हें तुम्हारी माउंट आबू की छतरी मुरली में सुनाए दिखाए। दिखाने वाले मानते नहीं भगवान, दिखाने पर भी नहीं मानते। तो हम तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में खींचेंगे क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट में उनको खींचना ही पड़ेगा इस बात के लिए। हाँ तो हम तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में खींचेंगे। बात हमारी छूत दरिया हो जाएगी, सब तुम्हारे ऊपर खींचेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब तुम्हारे ऊपर थूक मार देंगे। हमसे तो बाप का नाम बदनाम करने वाले बन जाओगे। ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखने वाले साबित हो जाओगे, होशियार हो जाओ। अरे तनाके से बोलना चाहिए, वो मानते ही नहीं। उनको बताओ कि जो तुमने मुरली छापी है ना, उस मुरली में ही बाबा ने बताया है। क्या 20-25 वर्ष की बात बताई है, मानते ही नहीं। हम जो झगड़ा हो गई है, हमसे झगड़ा हो गई। नहीं तुमसे झगड़ा, झगड़ा कैसे हो जाए? तुम तरीके से उनको उनकी मुरली की ही बातें सुनाओ।
वो कैसे मुरली भी नहीं मानेंगे, कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं कि मुरली भी नहीं मानते वो लोग, मुरली मानते मुरली ही नहीं मानते वो, तो बता दो तुम तो अम्मा कुमार हो, तुम्हें नाम नहीं मालूम, तुम बात के बात कैसे मानोगे अम्मा कुमार जो रंडी के बच्चे होते हैं वो अम्मा ही अम्मा चिल्लाएंगे या बाप का नाम भी बताएंगे? बाप का नाम बताएंगे? नहीं बताएंगे। बाबा ये कुछ बेसिक परेशानियां हैं, जैसे बाहर हम सेवा देने जाते हैं तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है उनको कोई ज्ञान भी नहीं है, तो उनके यहाँ अब अपने बर्तन वगैरह तो लेकर के नहीं जा सकते, और उनके यहाँ जो है वो पवित्र बर्तन भी नहीं मिलते हैं, अब तो ऐसा बाहर का। आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों के लिए जाते हैं सेवा करने के लिए? कम से कम एक हफ्ते के लिए तो जरूर ही जाएंगे, उसके पहले तो बाबा ने कहा है अब टाइम नहीं रहा, एक सप्ताह तक तुम साप्ताहिक कोर्स देते रहो क्या जी, और तुम बच्चों को सिर्फ बाप की पहचान देनी है, ज्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं चलाना, अगर बाप की पहचान मूर्ति के चित्र के ऊपर उनको सारा फोर्स दे दो, मूर्ति के चित्र पर उनको ये समझा दो ये तीन मूर्तियां वास्तव में कौन सी हैं, जिनकी यादगार तीन शरीर रूपी वस्त्र झंडे में दिखाए जाते हैं, झंडा समझा दिया, ये झंडा विश्व विजय करके दिखलावे, ये कपड़े का झंडा नहीं विश्व विजय करता है, कपड़े का झंडा जड़ है या चैतन्य है, जड़ क्या करेगा, कोई चैतन्य तीन मूर्तियां हुई हैं संसार में जो आज भी पूजनीय है मंदिरों में, उन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई है, वो तीन मूर्तियां मिलकर के एक बन जाती है स्वभाव संस्कार से, तो सारे संसार के ऊपर उनकी विजय हो जाती है, आप एक ही चित्र के ऊपर सारा जोर दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन काफी है, नहीं काफी है एक बात मैं पूछूं, अगर बाप का परिचय बुद्धि में बैठ गया, याद रखिए, अगर बाप का परिचय किसी की बुद्धि में पूरा पूरा बैठ जाएगा कि साकार में इस सृष्टि पर भगवान बाप आया हुआ है, तो फिर और ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं है, फिर वो सारी बातों को मानता चला जाएगा, इसलिए आप इतना लंबा टाइम मत लगाइए, अभी आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है, वो तो फुर्सत नहीं है बाबा, है फुर्सत नहीं है, हाँ कहाँ दौड़े हम तो दौड़ते दौड़ते अब किधर पहुँचे किधर नहीं पहुँचे, आपको कठिनाई हो रही है ना, लेकिन आप सरलाई के हैं, आपको नहीं कोई कठिनाई नहीं बाबा, मैं नहीं उठाई, नहीं 4-5 दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा जाओ बाहर, अच्छा अच्छा, और गेहूं का बढ़िया सा आटा लो, हाँ। चोकर निकाल लो, अच्छा है, हाँ, ठीक है, और उसमें हाँ। दूध डाल दो प्योर, अच्छा, पानी नहीं होना चाहिए, हाँ। प्योर दूध डाल करके आटा मारो और उसे अच्छे घी में तल दो और तलने के बाद गरम गरम नहीं डाल देना, तो कहें बाबा आपने कहा ठंडा करके और डब्बे में वो 4 दिन तक 5 दिन तक पूरा काम देगा, क्या केले से खा लो, नींबू के मुरब्बे से खा लो, है और फिर काहे के लिए आप बर्तन बर्तन की बात करते हैं, नहीं ऐसा बाबा की फिर वो ये समझते हैं कि भाई ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हम क्या नहीं कर पाएंगे, हो गई नहीं, ये इनका नियम कानून बहुत, नियम कानून उन्होंने क्यों बताते, बाप का परिचय दो ना, वो हम बताते नहीं बाबा, वो हमको देखते हैं तो डर जाते हैं, वो देखते हैं तो डर जाते हैं, हम कईयों हम लौकिक जीवन में भी कानी को ब्राह्मण हमारे परिवार के संस्कार ही रहते हैं, हम स्वयं पाकी ब्राह्मण है, यहाँ ये इस तरह के ब्राह्मण यहाँ मिलते हैं बाबा, स्वयं पाकी अपना खुद बनाते हैं, उसी में क्या कहा
तुम आप तो उन अज्ञानी विवाद की जो बेसिक में भी नहीं चले। जी हाँ जी हाँ, उनको समझाना बड़ा आसान है। देखो हम स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं, नीचे कुल के ब्राह्मण हैं, हम अपने हाथ से खाना बनाते हैं, क्या हुआ वो भोजन नहीं करते हम तो मान जाएंगे आसानी से। अगर ज्ञान में भी चलते हैं तो उनको बाबा का महावाक्य बता दो। बाबा का महावाक्य है अपने हाथ से खाना बना करके कोई खाए फिर अवस्था देखो कितनी अच्छी गई। अपनी आत्मा अपने को ज्यादा प्यार करेगी कि दूसरे को ज्यादा प्यार करेगी? अपने को करेगी। अपने को सबसे ज्यादा प्यार होता है, आत्मा को सबसे ज्यादा प्यार होता है अपने शरीर से। शरीर से तो अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन अपने शरीर को जितना पावरफुल बनाएगा उतना कोई के भी हाथ का बना हुआ भोजन इतना पावरफुल मन बुद्धि को शरीर को नहीं बनाएगा। तो ये बात उनको बड़ी आसानी से बीके वालों को समझा सकते, कोई विरोध नहीं करेगा आपका। उनको नियम कानून सुनाने की जरूरत नहीं, तुम भी ऐसा ही करो। नहीं नहीं, नियम कानून तो हम नहीं सुनाते बाबा, बाबा का परिचय देख करके ही। भाई इसमें तो इतना परहेज है, ऐसे है वैसे है, और के लिए परहेज कुछ परहेज नहीं है इसका नाम। मैंने भी बताया कि भाई देखिए अब जब बीमारी कड़ी होगी तो उसका थोड़ा सा परहेज तो करना ही पड़ेगा, बीमारी हटाने के लिए परहेज लगा दिया। नहीं कुछ तो देख रहे थे, बिल्कुल सहज राजयोग है, सहज राजयोग सहज ज्ञान योग। लेकिन सहज कब हो जाता है? जब भगवान के ऊपर विश्वास किसी को बैठ जाए कि भगवान आया हुआ है तो सहज से सहज, नहीं तो नहीं तो दुनिया में देखो भगवान नहीं है तो कठिन से कठिन है बाबा। एक भक्ति मार्ग में कहते हैं मुश्किल को सहज करने वाला कौन? एक भगवान ही मुश्किल को सहज करने वाला है। हाँ, जिन्होंने ईश्वर की सेवा नहीं की होगी, जो ईश्वर की सेवा करने वाले बच्चे नहीं हैं, ईश्वरीय सेवा में मन नहीं लगाते हैं, आसुरी सेवा में मन लगाते हैं, उनको एक बूंद पानी की नहीं मिलेगी और रोटी के टुकड़े नहीं मिलेंगे, नोटों की गड्डियां उनकी सड़क में पड़ी रह जाएंगी। लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं उनके लिए तो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है भगवान के बंदे कयामत के समय में बड़े मौज में रहेंगे। बाबा ये घटना हो रही है इधर झापा साइड में, धान एकदम ही नहीं फला है, बड़ी आफत है अब यहाँ, ये तो घट रहा है अब। बाबा नेपाल की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ। नेपाल तो वो देश है जिस नेपाल के वासियों ने नई दुनिया की पालना की है। मनुष्य के कितने जन्म होते हैं? 84 का चक्कर, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। 84 जन्मों में नई दुनिया पहले जन्म में होगी या बीच में या आखिरी में? तो 84 जन्मों से पहले जो नई दुनिया भगवान ने बनाई थी क्या? हाँ, वही संगम युग कह लो, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। उस नई दुनिया में अच्छा ही अच्छा होता है सब, उससे अच्छा और कभी हो ही नहीं सकता। तो नंबर वन नेपाल, आपकी समझ में बात आई? क्या पूछा आपने? हाँ, तो वो बात उनके लिए है जो भगवान के बच्चे भगवान का धंधा नहीं करते। जो नहीं मानते, बाप का बच्चा होगा तो बाप का धंधा करेगा या दूसरों का धंधा करेगा? अरे डॉक्टर के घर में पैदा हुआ तो उसे डॉक्टरी की बातें ज्यादा आएंगी या और दूसरे धंधे ज्यादा आएंगे? बिजनेसमैन के घर में बच्चा जन्म लेगा तो सारा दिन बिजनेस की बातें होती है, बिजनेस में होशियार होगा या दूसरे धंधे में होशियार होगा? है तो ये बात आप अपने लिए क्यों लागू कर रहे हैं? ये तो बहुत खराब बात हो गई। ब्राह्मण परिवार के लिए बात लागू बिल्कुल नहीं करिए है, ये तो भगवान के बंदे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनके लिए तो ऐसी बात सोचना भी भगवान की ग्लानि करना है। भगवान अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं दे सकता, उनके लिए पानी भरा ही रहता। हाँ जी हाँ जी, नहीं ये बोला है बहुत अच्छा खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन खिचड़ी और दाल चावल का भंडार है, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। बाबा ये जो है ना, हाँ, ये जो है ना,
इतनी पर तो हम बाबा के पास मिलन मना रहे हैं, जो आनंद के अनुभव कर रहे हैं, वो तो ऊंचा सी कला में नहीं पाते हैं ना बाबा। क्या हमेशा करते हैं? माया पकड़ती है कि नहीं? तो बात खत्म हो गई। जब माया रावण दोनों तुमको पकड़ रहे हैं तो भगवान के आनंद की हमेशा बात कहाँ रह गई? या तो माया रावण कभी पकड़ता ही ना हो, इसलिए छोड़कर उतरती कर जाने के दिल नहीं। जितने अनुभव कर लिया भगवान से क्या प्राप्ति होती है, भगवान से जो खुशी मिलती है वो दुनिया में किसी से मिली, और उस खुशी का जिसने अनुभव कर लिया वो दूसरी जगह क्यों जाना चाहेगा? जाना तो नहीं चाहते, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब किताब तो यहाँ सामने शूटिंग पीरियड में रील में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो हमको नीचे की कला में ले जाते हैं, उसको हम कह देते हैं माया है। अपने कर्मों का ही हिसाब किताब, हमारी आत्मा के अंदर ये जो कमजोरी भरी हुई है ना, पूर्व जन्म के जो पाप कर्म किए हुए हैं ना, वो पाप कर्म उदय होते रहते हैं बीच बीच में, उन पाप कर्मों के कारण हमारी रील जो है वो कमजोरी पैदा कर देती है। ना हमने पाप किए होते और ना ये कमजोरी माया हमारे सामने आती। तो काठमांडू किस आधार पर नाम पड़ा है? एक मिनट, आपको अभी बोला नेपाल, नेपाल सबसे नंबर वन, किस लिए नाम पड़ा? नई दुनिया की पालना करने वाले, और नई दुनिया की पालना सृष्टि के आदि में होती है या कलयुग के अंत में होती है? नई दुनिया की शुरुआत है सतयुग, और सतयुग के आदि में ही भगवान ने आगे नई दुनिया स्थापित की होगी। तो उस नई दुनिया की जो शुरुआत है, उस समय जो शुरुआत करने वाली आत्माएं होंगी वो तो ऊंची स्टेज में रहने वाली होंगी, या नीचे पाताल लोक में रहने वाले राक्षस होंगे, ऊंची स्टेज में रहने वाले होंगे। इसलिए जो नेपाल की राजधानी है ना, वो ऊंची स्टेज में बसी हुई है, भक्ति मार्ग में ये यादगार आज तक भी चली आ रही है। क्या पहाड़ पर है? ऐसी ऊंची स्टेज वाले हैं कि हिस्ट्री में कोई भी विदेशी ने नेपाल के ऊपर काठमांडू के ऊपर आक्रमण नहीं कर सका, सारे हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया नेपाल को नहीं ले सकते, लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू के ऊपर हिम्मत करते हुए भी हिम्मतहीन हो गए, नहीं कर सके। किसने किया था? प्रश्न किसने किया था? काठमांडू नाम क्यों पड़ा? तो अब नियम ये हुआ कि काठमांडू वाले जो हैं सबसे ऊंची जनरेशन है ना, तो जो सबसे ऊंचा बनता है नई दुनिया के आदि में सतयुग के आदि में, उसका अंत क्या होगा? जो सबसे ऊंचा बनेगा वो कलयुग के अंत में क्या बनेगा? सबसे ऊंचा बनेगा, तो ये बुद्धि ऐसी हो जाती है, पत्थर बुद्धि कहो, पत्थर बुद्धि कहो। मंडूक कहते हैं मेढक को, मंडूक माने मेढक, कहते हैं ना कुएं का मेढक, कुएं का मेढक। हाँ, तो मेढक बरसात में क्या करता है? रा, 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 रा। मतलब कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही ये नेपाल है कि जो बेहद के नेपाल वासी है ना ब्राह्मण एडवांस पार्टी में, जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं ना, जब काम की स्टेज होती है तो ये मेढक और इन मेढकों का जो बाप है वो कौन है? वो संक्षेत्र से ट्रां ट्रां कर रहा है। इस ट्रां ट्रां का कोई रिजल्ट निकल रहा है? है? कहीं एक भी परिवार की स्थापना हुई? हुई नहीं। इसलिए नाम पड़ा है काठ का मेढक। नेपाल में एक जगह है देव घाट,
अच्छा देवी घाट ये नहीं नहीं देव घाट है बाबा देवी घाट हाँ ये त्रिशूली नदी के पास जी हाँ देवी नहीं है देवी जो नक्शों में लिखा है वो देवी घाट लिखा है लेकिन उसको देव घाट भी कहते हैं देव घाट ही कहते हैं भाई आया देव घाट का यहाँ नहीं आया नहीं आया हाँ तो वो भाई ने निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ आकर के मिनी मधुबन खुल जाना चाहिए उसको एक नारायण गढ़ एक रामनगर एक भरतपुर नदी नदी थी आसपास ये चार यादगार हैं तो देव घाट का मतलब ऐसा घाट घाट पे जाकर के लोग कपड़े धोते हैं घाट पे जाके स्नान करते हैं तो ये ज्ञान का स्नान है क्या ज्ञान स्नान से आत्मा का मैल तो साफ होता ही है जब मन बुद्धि रूपी आत्मा जो बीज है उसका मैल साफ हो जाता है तो बीज सुधर जाता है तो उसका ये शरीर भी सुधर जाएगा वृक्ष भी सुधर जाएगा तो ये घाट है घाट का नाम है देव घाट किसका घाट जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं उनका घाट है क्या और वहाँ पास में ही त्रिशूली नदी बहती है तीन शूलों वाली क्या नहीं जो ब्रह्मा है घाट में त्रिशूल ब्रह्मा है ना ब्रह्मा का भी ज्ञान का एक शूल है कांटा है ज्ञान का बाण ब्रह्मा का भी बाण है भले सुनने सुनाने का है ब्रह्मास्त्र है तो बाण ना विष्णु का भी बाण है का वो प्रैक्टिकल धारणा का बाण है ज्ञान का बाण या सुनने सुनाने का बाण प्रैक्टिकल धारणा का बाण और शंकर जय जी का भी बाण है त्रिशूल त्रिशूल है ना ये तीनों शूल है तो उनमें जो शंकर जी का बाण है वो है मन बुद्धि को सीधा चोट करता है क्या प्रैक्टिकल जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है लेकिन मन के अंदर प्लानिंग हाँ मन के अंदर बवंडर पैदा कर देता है क्रांति पैदा कर देता है मन बुद्धि जो है वो ये फैसला करने लग पड़ती है हमें सुधरना है कोई रास्ता मिले कि हम सुधर जाए लेकिन प्रैक्टिकल के बगैर तो सुधरना हो नहीं सकता विष्णु तो जरूर चाहिए तो ये तीन शूल है तीन देवताओं की तीन पत्नियां हैं वो तीनों पत्नियां जब आकर के स्वभाव संस्कार से एक जगह मिलती हैं, तो उनकी यादगार में त्रिशूली नदी बन गई है कौन सी नदी त्रिशूली नदी और तीसरी यादगार बताई नारायण घाट बाबा ने मुरली में बोला कि बच्चे अगर बाबा को सहज रूप में याद करना है तो उसका एक ही तरीका है तुम नारायण को याद करो क्या क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे डकैत को याद करेंगे तो क्या बनेंगे डकैत बनेंगे पत्थर को याद करते रहे 63 जन्म पत्थर बुद्धि बन गए जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ये नियम है तो क्या करो किसको याद करो नारायण को याद करो नारायण एक ऐसा देवता हुआ है जिसकी दुनिया में कोई ग्लानी नहीं हुई शंकर जी की ग्लानी राम की ग्लानी कृष्ण की ग्लानी गणेश की ग्लानी कार्तिकेय की ग्लानी हनुमान की ग्लानी सब देवताओं की ग्लानी 33 करोड़ की लेकिन एक देवता की कोई दुनिया में ग्लानी नहीं शास्त्रों में भी कोई ग्लानी नहीं इससे बढ़कर के ऊंचा पद क्या होगा इससे बढ़कर के अच्छे कर्म करने वाला कौन होगा कोई नहीं तो नारायण ना जो है वो हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया गीता में भी क्या लक्ष्य बताया नरसे नारायण बनना नारायण को याद किया तो क्या बन जाए लेकिन पहचान की याद करना है या बिना पहचाने पहले पहचान ले अच्छी तरह से कितनी बड़ी सृष्टि में 500-700 करोड़ मनुष्यों की सृष्टि में नारायण बनने वाली आत्मा कौन सी साबित होती है साबित हमें करके बताओ क्या ऐसे नहीं ये ब्रह्मा बाबा है ये कृष्ण बनेंगे इनमें भगवान आता है अरे प्रैक्टिकल प्रूफ तो बताओ पहले कोई बताएगा कि ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा आता है इसका कोई प्रूफ है
ब्रह्मा का व्यक्तित्व वाली आत्मा कृष्ण बनेगी सचयुग में, इसका कोई प्रूफ है? ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे मानना है कि हमें प्रूफ सहित बताओ जो प्रूफ माना जा सके। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। और बुद्धिमानों की बुद्धि है भगवान, भगवान से भी बड़ी कोई बुद्धि होती है कि माथा ठोक रहे बात बुद्धि में नहीं समा रही है क्या? नहीं उसके बारे में कहते हैं बाबा। जब मुरली में आया है कि मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ, तो ये जगदम्बा पर भी लागू होगा क्या? जगदम्बा में प्रवेश करता है क्या? आदि में हुआ ना, जगदम्बा में जो प्रवेश करता है वो कारण क्या है? बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ तो जगदम्बा में प्रवेश करने किस लिए प्रवेश करता है? भगवान के प्रवेश करने का, आने का कुछ उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य? भक्ति का फाउंडेशन? जगदम्बा की बात ही नहीं। भारतवर्ष में कभी किसी ने सुना कि भगवान स्त्री चोली में आया? नहीं सुना। अगर चलो किसी ने सुना भी हो कि भगवान स्त्री के रूप में आया, तो अगर स्त्री के रूप में आएगा तो सब भगवान के साथ चिपकना चाहेंगे, सब भगवान के नजदीक जाना चाहेंगे ना, तो स्त्री की हालत खराब हो जाएगी अच्छी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसलिए स्त्री चोला तो कलयुग के अंत में अबला गाया हुआ है। क्या अबला? अबला को सबला बनाता है, लेकिन अबला तन में प्रवेश नहीं करता है, वो सबल में प्रवेश करता है। भले देखने में लुंजम पुंजम हो, साधारण हो, लेकिन पुरुष जितने हैं वो सब प्रबल है स्त्रियों के मुकाबले। तन से भी प्रबल, मन से भी प्रबल, एक बात धन से भी प्रबल। हाँ जी, विनाश काल बहुत आने टाइम में बच्चे, विनाश काल आने टाइम में तो बच्चे बहुत घबरा जाएगा, घबरा जाएगा। जिन्होंने ये पक्का निश्चय कर लिया कि हमारी रक्षा के लिए बाबा को याद प्यार से था, हमें 36 साल तक बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? 36 साल तक बच जाएगी कि नहीं जाएगी? हम देखकर दिमाग का उत्पत्ति में हम बच जाए कि नहीं बच जाएगी? हम माने कौन? बाबा ने तो याद प्यार से हम माने कौन? हम माने कौन? शिव है, अपनी बात कर रहे हैं। आप बचेंगे या नहीं? आप आत्मा है या शरीर? आत्मा 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 बचती है या खत्म हो जाती है? आत्मा तो खत्म नहीं होता। जिन्ना से देख जाएगा कि नहीं जाएगा? जिन्ना से कल देखेगा कि नहीं देखेगा? शरीर से भगवान बाप बन के आता है, भगवान टीचर बन के आता है। भगवान दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा टीचर है ना, सुप्रीम टीचर है ना। तो दुनिया का कोई टीचर ऐसे कहता है कि आओ हम तुम्हें पढ़ाई पढ़ाएं, डॉक्टरी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएं, अगले जन्म में इंजीनियर बन जाना, अगला शरीर लेकर के तुम डॉक्टर बन जाना, तुम कोई पढ़ेगा नहीं? आप क्या मतलब मूर्खता की बातें कर रहे हैं? कोई मूर्ख बात बताएगा कि नहीं? अरे भगवान पढ़ाने आया है, भगवान टीचर बन करके आया है, तो भगवान झूठी बात करेगा क्या? ये तो झूठी बात हो गई नया बना के दे देंगे अगले जन्म में, ले लेना अगले जन्म में, तो कोई धोबी को कपड़े डालेगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पुखार पर 36 साल तक बच जाएगा नहीं बच जाएगा? अरे भगवान बाप आया उसे नहीं धोबी के रूप में, धोबी बन के कौन आया है? कौन आया है? आया तो बाबा आया, शिव बाबा आया। अगर तो आया है, अगर तो सारे खाया, अगर तो क्यों? निश्चय बुद्धि विजय है,
मंत्र पैदा हुआ ऐलाया मुंह और सब हप कर जाएगा, मगर नहीं पैदा करना कभी भी। ईश्वरीय ज्ञान में कभी अगर मगर किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ज्ञान पत्थर की लकीर है, पत्थर के महावाक्य हैं। वैसे भी भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्रह्म वाक्य कभी मुखा नहीं हो सकता। और भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही वाक्य बोलता है, आप कैसे शंका पैदा कर रहे हैं? आप दोबारा कोर्स लीजिए, तो बाबा ने याद किया उसे बच जाएगा वो 36 साल तक, हम बचेगा कि नहीं बचेगा? बाबा याद किया ऐसा नहीं करता, बाबा तो सीधी बात करता है, पढ़ाई पढ़ोगे पढ़ाई ठीक पढ़ोगे तो तुम जरूर डॉक्टर बनोगे, पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो आज के डॉक्टर ऐसे भी है, थैला छाप है, ऐसे घूमते रहते हैं सुबह से शाम तक, उन्हें चलनी नहीं है। ऐसे भी वकील है जो 1 रुपया पैदा नहीं कर पाते, ये पढ़ाई है। वो तो पढ़ाई जितना पढ़ेगा उतना जाएगा। ये आप इतने लोगों के सामने आप अपनी पढ़ाई की ऊपर मत निकालिए। राधा वाली आत्मा कौन आत्मा है? राधा वाली आत्मा कौन आत्मा है और अभी कहाँ है? राधा क्या? रा माने राम और धा माने धारण करने, क्या राम को जो पूरा पूरा धारण कर ले तो ही राम। क्या राधा कहो सीता कहो वो एक ही है अव्वल नंबर। क्या सीता ने क्या किया था? धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया और दाएं हाथ से सफाई कर दी, धारण कर लिया ना। धनुष माने पुरुषार्थ रूपी धनुष को एक सीता नहीं धारण कर पाया और रावण तो उसको हिला भी नहीं पाया। जैसे अंगद के पांव को रावण नहीं हिला सका, ऐसे ही सीता का मिसाल है, राधा का भी मिसाल है। राधा का नाम ही इसलिए पड़ता है जिसने राम को अर्थात राम के मुख से निकली हुई वाणी को पूरा पूरा धारण कर लिया अपने जीवन में, वो राधा है। और वो राधा एक ही होती है। क्या पटरानियां अनेक हो सकती हैं लेकिन महारानी राधा एक ही होती है। किस कारण से? कि पूरी पूरी धारणा करती है ज्ञान की। पवित्रता की 100% अगर धारणा करने वाली कोई आत्मा है तो कौन है? राम नहीं है। कौन है? गृहस्थियों के लिए ये ज्ञान है कि सन्यासियों के लिए ज्ञान है? ये ब्रह्मा कुमारियां जो हैं वो सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? सन्यासी हैं। तो जब तक सन्यासी हैं तब तक उनको ज्ञान नहीं, ये फलीभूत होने वाला नहीं है। पहले क्या बने? पहले स्वीकार करें कि मैं जन्म जन्मांतर किस आत्मा की पत्नी बनने वाली हूँ। इस जन्म में मैं किस आत्मा की चिरसंजीवी हूँ? मैं नारी रूप हूँ तो नारी से मैं लक्ष्मी बनने वाली हूँ तो लक्ष्मी को अपने नारायण का ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है ज्ञान तो लक्ष्मी लक्ष्मी को जाने प्रवृत्ति मार्ग नहीं है जरूर, सन्यासियों के प्रभाव में है। बाबा तो आपने एडवांस कोर्स ले लिया, भर्ती कर ली, लेकिन आपने 3 मूर्तियों का ज्ञान ही नहीं लिया तो क्यों पूछ रहे हैं राधा कौन है? बाबा हाँ। जैसे राधा मतलब लक्ष्मी को नारायण का ज्ञान होना चाहिए तो नारायण को भी तो लक्ष्मी का पक्की पहचान होनी चाहिए, उसको भी तो उसकी जानकारी ज्ञान होनी। एक और नई बात है, एक और नई बात है। संक्षेत्र जब शुरू हुआ जी तो संक्षेत्र में बाप की प्रत्यक्षता हुई या नहीं हुई? है वेटरन पार्टी के सामने बाप की प्रत्यक्षता हुई ना, और जो बाप की प्रत्यक्षता हुई उस समय से 10 साल पहले मुरली में घोषणा की गई, 10 वर्ष के अंदर लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा
और पुरानी दुनिया नाश हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा, बोला ना, बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष, तो कौन सा सन आया? 76 आया। तो लक्ष्मी का जन्म 76 में हो गया कि नहीं? नहीं, नारायण आप कोर्ट देने जाते हैं, आप लक्ष्मी नारायण का परिचय नहीं देंगे? नहीं 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 बाबा, वो लक्ष्मी बनने वाला कौन है? नहीं नहीं, नारायण बनने वाला कौन? नारायण को लक्ष्मी की पहचान होनी चाहिए ना, जैसे जो खुद नारायण के मुख से भगवान आकर के पहचान देता है कि लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन से सन से होता है? 76 से उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। उससे पहले किसी को मालूम ही नहीं था लक्ष्मी कौन बनने वाला है, नारायण कौन बनने वाला है। तो हर नारायण, नारायण जिसके मुख से लक्ष्मी का पाठ खुलता है, उसी के लिए आप प्रश्न पैदा कर रहे हैं कि नारायण लक्ष्मी को पहचानता है या नहीं पहचानता है। अरे लक्ष्मी नारायण के लिए रचना है या रचयिता है? रचना है। रचना है तो रचयिता रचना को भी जानेगा? आत्मा ने बेसिक आत्मा ने वो 15-16 साल तक बेसिक में चल रहा है, उसने हमारा एडवांस को कोई आत्मा से आकर सीढ़ी मारने के लिए आ रहा है, सीढ़ी हमारा जी सीढ़ी दिया बेसिक वाले लेने के लिए मांग रहा है। हाँ तो दो बता दिया है कि जो जनरल सीरीज है, पहले तो उसको उस बेसिक पर आधारित लेकर आ गए, फिर भी जो भी नया है कोर्स नहीं लेना चाहता है, भट्टी नहीं करना चाहता है या फरखाबाद नहीं जाना चाहता है, तो समझ लो वो तो अभी भगवान का बच्चा नहीं बना। नहीं, बच्चा बनेगा तो बाप के घर में पैदा होगा कि नहीं? जा बिना बाप के घर में पैदा हुआ कोई बच्चा हो जाता है? कोई भी आत्मा किसी बाप के घर में जन्म लेगी तभी तो बच्चा कही जाएगी। तो बच्चा पैदा हो ना और वो अपने को बच्चा कहे, ये तो बात संभव ही नहीं है। बच्चा तो है नहीं भगवान का, तो उसे जनरल सीढ़ियां हैं 20-25 जनरल ज्ञान की, वो उनको देते जाओ। क्या जब तक वो भट्टी न करे और निश्चय पत्र लिख करके न देवे क्या कि भगवान आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, कैसे कार्य कर रहा है, क्या एड्रेस है, सारा डिटेल लिख करके न दे, पूरा निश्चय पत्र लिख करके न दे, तब तक कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि इसने भगवान बाप को पहचान लिया। इसलिए जनरल सीढ़ी के अलावा और कोई सीढ़ी नहीं देना, वो सीढ़ियां बार बार दो। मुरली में बोला है एक मुरली को 5-6 बार सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठे। तो कहेगा अरे आपने जो सीढ़ियां दी वो हमने सारी सुन ली, अब फिर सुनो 5-6 बार वो ही देते रहो। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात छोड़ो, वो कहती है हमारे मुरली चुरा कर ले जाती है, हमारी मुरली चुरा कर ले जाती है, बोलती है हमारी। हाँ माने तुम्हारी मुरली है या तुम्हारी लौकिक बाप की मुरली है? अरे मुरली किसकी है, भगवान की मुरली है या तुम्हारे लौकिक बाप और तुम्हारी मुरली है? उसे पूछते नहीं तुम? पूछे तुमने किसकी बताई, अलौकिक बाप की बताई या अपनी बताई? बोलते हमारी मुरली चुरा कर ले, तुम्हारी मुरली है या भगवान की मुरली है या तुम्हारे अलौकिक बाप की मुरली है, किसकी है? अरे मुरली वास्तव में किसकी है? भगवान तो भगवान सबका है, चोरों का भगवान है कि नहीं है? चोरों का भी भगवान है, ऐसे क्यों कहते हो हमारी मुरली चुरा ली? तुम्हारी मुरली है कहाँ, तुम तो झूठी हो, चोरी डकैती करने वाली हो। हाँ तुम सच्ची होती तो कभी कहती नहीं मेरी हमारी मुरली। अरे भगवान बाप आए और भगवान की वाणी को कोई कहेगा हमने सुनाई हमारी मुरली है तो शिवो हम हो गया कि नहीं? शिवो हम किसे कहेंगे? जो भगवान की वाणी को कहे हमने ज्ञान सुनाया हमारी मुरली है,
हमारे मुख से निकली है तो भगवान हुआ ना, फिर वो हम हो गया कि नहीं? हाँ दस बज गए उसके बाद जब नहीं, माता जी ये कह रही है दस बज गए, जो बंधन में होने वाली आत्माएं हैं वो अलर्ट हो जाएं, वो अपना मतलब शिकायत न पैदा होने दें, निकल जाए, याद दिला रही है। ये सीढ़ी के चित्र में जो भारत का नक्शा दिखाया है इसमें पाकिस्तान भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो पर ये चित्र जब बने थे तब तो पाकिस्तान अलग हो चुका था ना। तो बना है तब जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था, और ये चित्र है जिसने बनाया रमेश भाई ने बुद्धियोग से, वो वास्तव में रमेश भाई ने नहीं बनाया, बनवाने वाले ने बनवाया और बनाने वाले ने बाप की याद में बनाया, इसलिए उसमें सच्चाई रखी गई है। और वो जो भारत का चित्र है वो त्रेता के अंत और द्वापर के आदि का है या अभी का है? पहले कहाँ रखा हुआ है वो? त्रेता के अंत में और द्वापर के आदि, तो जैसा द्वापर के आदि में था भारत, जो सीढ़ी का चित्र है ना बाबा, हाँ ये बहुत पुष्टि वो प्रभाव वाली दो, हाँ बाबा हम तो पोखरा में आपसे मिले थे, हाँ जी हम डायरेक्ट इस एडवांस ज्ञान में कैसे आ गए, आपने बोले थे बाबा तो नहीं हो ऐसे डायरेक्ट, तो अभी तो कोई नहीं बच्चे नहीं आया है, तुम कैसे आ गया हो? भारत के चित्र की बात करिए, लेकिन बाबा हमको इस जो हमने हमको जिसने क्लास कराया वो 30 साल तक बेसिक में थे, हाँ। यहाँ पर प्रेजेंट है, हाँ। तो देखिए बाबा उनको सब मालूम है कि ये ब्रह्म कुमारी, ये जो ब्रह्मा बाबा, ये ब्रह्मा बाबा को तो पहचान दे दिया इनने, हाँ। उसके बाद वो दीदी दादी जब पूछे तो कुछ पता नहीं बाबा हमको, हाँ। थोड़ा असुविधा हमको महसूस हो रहा है, हाँ। सब जानते हैं जो बेसिक से आया हुआ है, हाँ। हमको कुछ पता ही नहीं है, तब बाबा जहाँ भी हम जाते हैं थोड़ा जो ब्रह्म कुमारी लोग वहाँ पर जाते हैं तो ऐसे पाते हैं थोड़ा ज्ञान का शोक बाबा का संदेश देने जाते हैं, तो ये हमको चित्र जो है ना सीढ़ी का चित्र में भारत का नक्शा दिया हुआ है, ये हमने बहुत जगह पूछा पूछा सर, हमने बता भी दिया हम लोग, हाँ वो लोग बता भी दिया हम लोग, ऐसा भी हो हमने एकदम बता दिया हम लोग के लिए, तो यही पूछ रहे हैं कि बाबा हमको थोड़ा इस देश को ज्ञान हमको पूछ भी नहीं, बेसिक का ज्ञान बेसिक का हम तो सर बेसिक में था नहीं ना, हम तो डायरेक्ट आ गए बाबा की, डायरेक्ट आए आए, ठीक है बेसिक का नहीं, हाँ ज्ञान नहीं है। बात ये चल रही थी कि भारत का जो चित्र दिया हुआ है सीढ़ी के चित्र में द्वापर के अंत द्वापर के आदि में और त्रेता के अंत में, ये इस तरह का पाकिस्तान के सहित ये भारत का नक्शा तो क्यों बना दिया, तो ये उस समय ही बताया गया है कि जिस समय द्वापर शुरू हुआ उस समय भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो चाहे बर्मा हो चाहे मलाया हो, ये जितने भी देश हैं पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान अफगानिस्तान तक भी बड़ा बड़ा पंडित ये सब भारत के अंदर ही था, भारत खंडित नहीं था, भारत उस समय अखंड था, जम्बूद्वीप, हाँ तो वो नक्शा दिया गया है, इसमें प्रश्न तो पैदा होने की सवाल ही नहीं, अगर वो ही नक्शा कलयुग के अंत में दिया जाए तो खंडित दिया जाएगा, तो शंकर के चित्र में आधा पुरुष का शंकर का आधा स्त्री का अंग है, वो क्या है, क्या चीज है वास्तव में स्त्री का जो चोला दिखाया गया है वो माँ का प्रतीक है और जो पुरुष का चोला दिखाया है वो बाप का प्रतीक है ना, एक ही चित्र है, हाँ एक ही चित्र में माँ और बाप दोनों दिखाए गए हैं, वास्तव में माँ अलग होना चाहिए और बाप अलग होना चाहिए, ये कोई
ये जो क्या नाम है एक महाभारत में वो राक्षस दिखाया गया है कौन आधा आधा हो जाता था ये कोई जरा सिंधी का चित्र तो है तो माँ होगी तो पूरी होगी और बाप होगा पूरा तो पूरा ही होगा तो बात कितना है कि यादगार है और भैया भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो जगदम्बा का भी पार्ट करता है और जगदम्बा के साथ जगत पिता का भी एडवांस पार्टी में पार्ट चलता है प्रैक्टिकल में जगदम्बा भी अलग है और जगत पिता भी अलग है लेकिन फिर बाद में क्या होता है जगदम्बा छुप जाती है बाबा कहा है इनकी बात तो पूरी होने दो थोड़ा सा धीरे धर तो जगदम्बा का पार्ट जो है गुप्त हो जाता है क्योंकि जगदम्बा को महाकाली का भी पार्ट बजाना है इसलिए जगदम्बा का स्वरूप गुप्त होता है और जगदम्बा की जगह पालना करने के लिए कोई माता चाहिए कि नहीं चाहिए इतना बड़ा परिवार है एडवांस पार्टी का ऑल इंडिया में इतने ढेर के ढेर स्टूडेंट हैं दो चार बच्चे परिवार में होते हैं तो उनके लिए भी बाप दूसरी शादी कर लेता है बच्चों को संभाल नहीं सकता तो यहाँ तो ढेर के ढेर बच्चे हैं उनकी पालना माता की नजर हो सकती है नहीं हो सकती ब्रह्मा बाबा सरस्वती को निर्धारित किया ब्रह्मा बाबा दाढ़ी पूछ वाले थे कहते थे मैं ब्रह्मा हूँ अम्मा हूँ लेकिन ये संतो पुरुष का है पुरुष तो दुर्योधन का साधन है आएगा गुस्सा बच्चे को थप्पड़ मारेगा बेचारा बच्चा मर जाएगा बाबा आप तो सुनो इसलिए बिना माता की तो काम हो नहीं सकता ऐसा तो है नहीं कि आधी माता चाहिए माता तो पूरी ही चाहिए ना तो जगदम्बा चली गई तो जगदम्बा के चले जाने के बाद जो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली माता निमित्त बनती है वो गुप्त पार्ट है और वो गुप्त पार्ट आधा साझा करता है क्या आधा साझा ये है कि जो हमारी प्योरिटी की पावर है वो बाप के पास जाए जैसे कन्या की प्योरिटी किसके पास जाती है पति के पास जाती है ना तभी तो परिवार चलता है बनता है नहीं तो परिवार नहीं बन सकता तो ऐसे ही जो जगदम्बा के जाने के बाद वो प्योरिटी के आधार पर जिस परिवार की पालना होनी है और अच्छे ही तरीके से पालना होती है क्या कोई ऊपर नीचे हो जाए ऐसी बात नहीं तो पालना होती जरूर है लेकिन पालना के निमित्त कोई साकार शरीरधारी बनता है और वो साकार शरीरधारी रुद्रमाला का माता होना चाहिए या बाहर से होना चाहिए रुद्रमाला के अंदर से ही होता है इसलिए जो अष्टदेव हैं उन अष्टदेवों में से एक देवता है दूसरे नंबर का बाबा जो निमित्त बनता है धीरे से जो निमित्त बनता है और उसमें ब्रह्मा की सोल सरस्वती की सोल प्रवेश करके टाइम टू टाइम अपना पार्ट बजाती है प्योरिटी का वो प्योरिटी की पावर से सारे परिवार की पालना होती है सारे परिवार में मुख्य ग्रुप कौन सा है हैं तो नौ प्रकार के ग्रुप ब्राह्मणों के लेकिन मुख्य ग्रुप कौन सा है सूर्यवंशी अगर सूर्यवंशी बड़े भाइयों की पालना हो जाए तो बड़े भाई जो हैं एक तरह से मॉनिटर हो गए वो दूसरे बच्चों को देख रेख कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसलिए वो एडवांस पार्टी का दूसरा माता रुद्रमाला का दूसरा माता अष्टदेवों में से दूसरा नंबर जिसे काशी नगरी कहा जाता है वो शंकर जी को अति प्रिय है क्या पार्वती उतनी प्रिय नहीं है काशी नगरी अति प्रिय है वो काशी नगरी के द्वारा उन्होंने सृष्टि के आदि में
एडवांस पार्टी की पालना की है नेपाल वासियों की, इसलिए अघनारीश्वर का रूप प्रसिद्ध है। वो इन आंखों से देखने में नहीं आएगी माता, क्या काशी वो गुप्त पार्ट है, गुप्त रूप में फाउंडेशन लग रहा है मेरी दुनिया का, मकान बनता है तो चारों तरफ कागज से कपड़े से ढक देते हैं कि नहीं, आजकल ढकते हैं, पहले नहीं ढकते थे। ये कहां की परंपरा है? अगर भगवान नई सृष्टि की परंपरा डाल रहा है तो नई सृष्टि का जो फाउंडेशन डल रहा है उसमें माँ कौन है ये पता नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में वो आधे शरीर के रूप में सहयोगी है और बाप की ही सहयोगी है। इसलिए माता पिता का कंबाइंड रूप दिखाया गया, उसको कहा गया बाप दादा। बाप तो राम बाप है ही, लेकिन कृष्ण वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में अभी भी कोई नारी चोले के द्वारा पूरे परिवार की पालना करने के निमित्त है। प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखने में आता है कि सारे की पालना कर रही है, सभी प्रकार के सब धर्मों की बीजों की नहीं, सिर्फ सूर्यवंशियों की स्पेशल पालना करती है। सूर्यवंशी आत्माओं को विश्वास भी है, निश्चय भी है और वो मानते भी है, और वो सूर्यवंशियों के द्वारा सारा परिवार पालन होता है, पोषण होता है, इसलिए अर्धनारीश्वर का रूप प्रसिद्ध है।